गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास वन का मैथ्स क्लास है। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स 1 to 9। आप काउंटिंग तो जरूर पढ़े होंगे, पिछले क्लासेज में काउंटिंग में आप पढ़ते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? ये काउंटिंग नंबर्स है। क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। ऐसे वन के लिए आप लिखते थे O-N-E, वन। वन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट हिंदी में? एक। टू के लिए T-W-O, टू मीन्स दो। थ्री, T-H-R-E-E, थ्री मीन्स तीन। फोर, F-O-U-R, फोर मीन्स चार। फाइव मीन्स पांच। सिक्स, S-I-X, सिक्स मीन्स छह। सेवन, S-E-V-E-N, सेवन मीन्स सात। एट, E-I-G-H-T, एट मीन्स आठ। एंड नाइन, N-I-N-E, नाइन मीन्स नौ। तो ये आपके लिए काउंटिंग नंबर्स हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। वन, जैसे ये मैंने बनाया आपके लिए गोला, कितने गोले हैं? एक राउंड है। तो ये क्या है? वन। इसी राउंड को मैं दो बार कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ? टू। ओके, ये राउंड तीन बार लिखेंगे तो ये क्या होगा? थ्री। ऐसे ही अलग अलग वस्तुओं के लिए आपके गिनने का ये तरीका होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको ये जानना होगा कि ये जो डिजिट है ये नाइन से क्या है? छोटा है ना? वन से नाइन क्या है? बड़ा है। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ रहे होते हैं काउंटिंग में, आप जैसे जैसे राइट साइड में लिख रहे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके राइट साइड में आप जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे इसके नीचे आप आ रहे होते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रेटर वैल्यू को बताता जा रहा है, ये बड़े वैल्यू को, बड़े मान को बताते जा रहा है। वन से टू क्या है? बड़ा है। टू से थ्री बड़ा है। थ्री से फोर बड़ा है। फोर से फाइव बड़ा है। स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब जरा सा ये बता दूं मैं आपको कि वन टू, वन के आफ्टर क्या है? टू। टू के बिफोर क्या है? वन। तो अब हम आपको आफ्टर और बिफोर के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप अपना मंथ नेम जानते हैं क्या? मंथ नेम में भी आपका फर्स्ट मंथ जो होता है उसका नेम क्या होता है? सेकेंड मंथ क्या होता है आपका? सेकेंड मंथ नेम फरवरी। ओके, एंड फरवरी के बाद, आफ्टर फरवरी कौन सा मंथ आता है स्टूडेंट्स? मार्च। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल के बाद मई। मई के बाद जून। जून के बाद जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त। उसके बाद
सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर। ओके, ये आपके क्या है, मंथ नेम है, क्या है ये, मंथ नेम है। ओके स्टूडेंट, दिसंबर के पहले कौन सा मंथ आ रहा है, नवंबर, नवंबर के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, दिसंबर, यही आफ्टर और बिफोर है। ओके अगर कोई पूछे कि आफ्टर नवंबर कौन सा मंथ है तो आप बताएंगे दिसंबर, कोई पूछे कि बिफोर दिसंबर कौन सा मंथ है तो आप बताएंगे नवंबर। ओके ऐसे ही आपके डिजिट्स में वन के बाद कौन सा डिजिट होता है, टू, टू के बाद कौन सा डिजिट आता है, थ्री। ओके और थ्री के पहले कौन सा डिजिट आता है, टू। पूछा जाए कि वन और थ्री के बीच में कौन सा डिजिट है तो टू, इसी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बिफोर थ्री कौन सा नंबर आ रहा है, बिफोर थ्री टू, बिफोर ऑफ टू वन, एंड बिटवीन वन एंड थ्री टू। ओके ये टू बिटवीन, ओके ये दोनों आफ्टर, आफ्टर थ्री के बिफोर टू, टू के बिफोर वन, ओके और इन दोनों के बीच में टू। स्टूडेंट्स आफ्टर और बिफोर ये तो आप समझ गए होंगे। ओके इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको याद करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा तीन साइंस के बारे में। ये जो साइन है ये है एच ग्रेटर देन, ओके ये साइन एच लेस देन, ये साइन एज इक्वल टू। ओके ये साइन जैसे वन वन इलेवन, इलेवन इज ग्रेटर देन टेन, मतलब इलेवन जो है वो टेन से बड़ा है। ये टेन मैं पहले लिख रहा हूं, टेन इज लेस देन इलेवन, इक्वल टू साइन के लिए 10 इज इक्वल टू 10। दोनों साइड यदि डिजिट्स या ऑब्जेक्ट्स सेम काउंटिंग, ये 10 10 सेम है, इसका काउंटिंग वैल्यू सेम है तो ये इक्वल टू साइन का यूज हो रहा है यहां पे। इसका वैल्यू 11 से कम है तो इज लेस देन, 11 का वैल्यू 10 से ज्यादा है तो इज ग्रेटर है। ओके प्रेडिसेसर और सक्सेसर भी आपको जानना होगा। यदि किसी भी डिजिट का आपको प्रेडिसेसर लाना है, जैसे 99 का कोई प्रेडिसेसर पूछे आपसे तो आप उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 98। इसका सक्सेसर कोई पूछे आपसे 99 का तो 99 में आपको प्लस 1 करना होगा तो ये हो जाएगा 100, ये इसका सक्सेसर हो गया। सक्सेसर के लिए आपको 1 प्लस करना है डिजिट में और प्रेडिसेसर जानने के लिए 1 सबट्रैक्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, थैंक्स।